Welcome back my channel. It's Queen Neha and as you know I'm Neha. So guys, meri aaj ki video hai Lakme liquid foundation ki review part ke baare mein. So guys, bata do ki ye jo bottle hai ye koi sponsor video nahi hai. Maine khud ye video apne paiso se ye foundation kharidi hai and then main aap sabhi ko iska review de rahi hu. So guys, first hum baat karenge ki iske packaging ke baare mein. तो इसका पैकेजिंग ये ऐसा दिखता है बाहर से इसका पैकेजिंग ऐसा है, आप देख सकते हो. ये 227 ml का ये बॉटल मैंने 140 में खरीदी है और अगर आप ऑनलाइन इसे खरीदे तो आपको 110 या 120 में मिल जाएगा, पर मैंने इसको दुकान से खरीदी है तो मुझे 140 में मिला है. तो अच्छा होगा कि आप अगर ऑनलाइन से खरीदे तो आपको कुछ बचत भी हो जाएगा. और इसका पैकेजिंग ये कांच का है, यहाँ तक ये कांच का है और इसका जो ये ढक्कन है पूरा प्लास्टिक का है. तो ये था इसका पैकेजिंग और ये इजीली हम इसे कैरी कर सकते हैं, बहुत ही साइज में छोटा है तो हम इजीली अपने पर्स बैग्स में, नॉर्मली अगर हमारे जीन्स के पॉकेट्स में हम इसे कैरी कर सकते हैं. तो ये इसका बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है. तो ये था इसका पैकेजिंग. अब मैं इसके अंदर के बात में जाऊंगी. तो पीछे इसका बहुत सारा डिस्क्रिप्शन लिखा गया है कि कैसे इसे यूज करते हैं, पर मैं देख रही हूँ कि इसका इंग्रेडिएंट मिसिंग है. तो गाइस, मैं आपको एक बार रीडिंग दे देती हूँ कि इसके पीछे क्या लिखा गया हुआ है. ये लिखा है कि परफेक्ट लिक्विड फाउंडेशन ब्लेंड इजीली इन योर स्किन टू क्रिएट सॉफ्ट ग्लोइंग एंड लाइटर फिनिश. तो इन्होंने बोला है कि ये इजीली हमारे स्किन से ब्लेंड हो जाते हैं, प्रॉमिसेबल प्रोडक्ट इन्होंने बोल ही रहा है कि ऐसे ब्लेंड होगा हमारे स्किन में. और इसके बाद इन्होंने बोला है कि ये ऑयल फ्री है और बोला है कि इसमें विटामिन ई प्लस वाटर रेजिस्टेंट है. सो गाइस, इन्होंने तो बहुत प्रॉमिस कर दिया कि इजीली हमारे स्किन में ब्लेंड हो जाएगा और हमारे स्किन को एक ग्लोइंग और एक नेचुरली इफेक्ट देगा. तो उसके बाद में मैं जो जाऊंगी तो अब मैं इसका ढक्कन जो है मैं खोलती हूँ. इसका ओपनर ऐसा है, कैन यू वॉच इट गाइस, ये कितना खराब मुझे लग रहा है. क्योंकि पंपर, हम जो फाउंडेशन नॉर्मली यूज करते हैं वो पंपर से होता है, तो इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर, जो ओपनिंग का ये जो स्ट्रक्चर बहुत ही खराब है. क्योंकि नॉर्मली हम ऐसे लगा नहीं सकते फाउंडेशन, बहुत ही मुश्किल हो जाता है फाउंडेशन ऐसे लगाने में. तो ये जो बहुत ही ओपन दिया गया हुआ है तो मुझे इसका जो ओपनिंग स्ट्रक्चर है बहुत ख़राब लगा. एंड देन ये पूरा ब्लेंड होके इसका कैप में आ गया है, कि पूरा नहीं, आधा जो प्रोडक्ट है ये पूरा यहाँ पर आ गया है. कैन यू सी दिस गाइस, वाओ, रियली रियली बैड. सो अब मैं इस प्रोडक्ट को थोड़ी सी अमाउंट मेरी हैंड में लूंगी, मैं ज़्यादा नहीं लूंगी, बहुत ही ऑयली है, वाटरी है. लिक्विड कहा गया है तो आई गेस कि ये पूरा लिक्विड हो गया है मेरे हाथ में. मैंने बहुत सारा अमाउंट ले लिया है तो इसलिए मैंने बोला कि मुझे इसका जो टेक्सचर है कि ओपन हो गया, तो मुझे इसका जो ये टेक्सचर है मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा. तो मैंने बहुत ही कम अमाउंट हाथों में लिए कि मुझे बहुत ख़राब लगा. एंड मैं इसे इन्होंने बोला है कि इजीली हमारे स्किन के साथ ब्लेंड हो जाता है. तो गाइस, मैं भी देखती हूँ कि मेरे स्किन में ये ब्लेंड होता है नहीं. कवरेज नहीं है, फुल कवरेज फाउंडेशन हमेशा हमारे स्किन को एक फेक लुक दे देता है, पर ये लुक फेक नहीं देगा मुझे ये लग रहा है. अच्छा, तो इन्होंने जो बोला था कि ये बहुत इजीली हमारे स्किन में ब्लेंड हो जाता है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो बात इन्होंने कही है तो एकदम 100% सही बोला है इसने, कि हाँ हमारे स्किन में ब्लेंड हो जाता है.
क्योंकि आप देख सकते हो मेरा डिफरेंट, इस हैंड में मेरे फाउंडेशन नहीं लगा रखा है, उस वाले फाउंडेशन है, तो आप इजीली देख सकते हो कि इस हाथ में जो फाउंडेशन लगी हुई है और इस हाथ में कवरेज तो बहुत ही अच्छा दिया इसने, और जो फेक लुक है शायद वो नहीं दिया इसने। वाओ, इट्स रियली गुड कवरेज, आई लाइक इट। तो मैंने जैसे बोला कि इसका जो प्रोसेस है क्रिएट प्रोसेस के ऐसे खोल के देन इसे यूज करना, तो वो तो बहुत ही खराब था, पर इसका कवरेज पैकेजिंग जैसा भी हो, पर इसका जो कवरेज जो हमारे इफेक्टिव है, जो जिसके लिए हमने ये बॉटल खरीदा है, वो बहुत काम का है, आप देख सकते हो। और मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि ये जो शेड है, ये शेड है नेचुरल शेल इसका शेड, तो ये आप मेरे स्किन से बहुत ही नॉर्मल, ये मेरे स्किन टोन के हिसाब का ही है। तो वैसे अगर मार्केट्स में इसका बहुत सारे शेड्स आता है, अगर आपको आपके स्किन टोन को देखकर आपको जो भी शेड आपको स्किन में जाता हो तो आप उसे ले। तो मुझे लगता है कि इसका पैकेजिंग जैसा भी हो, जो ग्रेट कवरेज मेरे हैंड पे इसने दी है, इट्स रियली लाइक इट, आई रियली लाइक इट, इट्स रियली लिक्विडी बट सूटेबल ऑल स्किन टाइप्स। बट मैं अभी देख रही हूँ कि इसका इंग्रेडिएंट्स नहीं दिया गया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं दिया गया हुआ है। और एक बात, यह थ्री इसमें लिखा है यूज बिफोर 3 मंथ फ्रॉम पैकेज, ये भी अच्छा बात हुआ। और क्या बताऊँ, बस ठीक लगा मुझे, क्योंकि जो काम का ये है कि हमारे स्किन में फाउंडेशन जो काम का आता है वो इस कवर कर रहा है, पर इसका जो ये पोर्शन है मुझे अच्छा नहीं लगा। पर हम जैसे फाउंडेशन यूज़ करते हैं, हमारे हैंड में यहाँ पर फाउंडेशन लेते हैं, देन ब्लेंडर या जो भी ब्रश आप, या हैंड तो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते, ब्लेंडर और ब्रश हम फाउंडेशन स्किन पर अप्लाई करते, तो आई गेस मुझे ये लैक्मी परफेक्ट लिक्विड फाउंडेशन का ये जो टोटल कवरेज है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आई रियली लाइक इट एवरी टाइम, आई रियली लाइक इट। तो गाइस, ये था मेरा लैक्मी परफेक्ट लिक्विड फाउंडेशन का छोटा सा रिव्यू। अगर आप सभी को मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अभी अभी मार्केट जाए, जाकर ये लैक्मी लिक्विड फाउंडेशन खरीद के लाए अपने नॉर्मल अपने मिनिमम स्किन में सुंदरता के लिए। सो गाइस, इट्स रियली हेल्प।